श्री गंजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला, कक्षा 4, विषय हिंदी, पाठ 4 अपने बारे में। तो विद्यार्थी मित्र, हमने पाठ 4 अपने बारे में अभ्यास किया था। आज हम इस पाठ का स्वपोथी में लेखन करेंगे, भाग 2। तो आपको अपनी स्वपोथी अपने साथ रखना है और बॉल पेन पे मेरे साथ साथ आपको भी ये जो पाठ 4 है स्वपोथी में लिखना है। तो अब हम प्रश्न 1 के बारे में स्वपोथी में लिखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नीचेना प्रश्नों उत्तर माटे आपेला विकल्पों माथी साचो विकल्प पसंद करी तेनो क्रम अक्षर बॉक्स में लखो। तो पहलो विकल्प छे, आप कौन है? आपको लिखना है आपके बारे में पूछा गया है, आप कौन है? आप विद्यार्थी है, आप चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, आप डॉक्टर भी नहीं है, किसान भी नहीं। तो आपको क्या लिखना है इनमें, आप कौन है? दो, अ, मैं विद्यार्थी हूँ। उसका उत्तर क्या है? अ, विद्यार्थी। विकल्प नंबर 2, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो आपको लिखना है आप 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आप 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं या 4थी कक्षा में। तो आप कौन सी कक्षा में हैं? 4थी कक्षा में। तो आपको विकल्प नंबर 2 में उत्तर लिखना है क, 4थी कक्षा में आप पढ़ते हो। माता की बहन को क्या कहते हैं? माता की यानी कि मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मौसी, मामी, बुआ। तो माता की बहन को मौसी कहते हैं। तो मामी किसको कहते हैं? कि मामा की पत्नी को। और बुआ किसे कहते हैं? तो के पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं विकल्प नंबर 3, माता की बहन को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर है अ, मौसी। आपका चौथा विकल्प है भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? मामी, भाभी, बुआ। तो उसका उत्तर है ब, भाभी कहते हैं। अब हम अंतिम 5वां विकल्प देखिए, मौसी के पति को क्या कहते हैं? चाचा, फूफा, मौसा। तो उसका उत्तर है क, मौसा। अब हिंदी में मासा कहते, गुजराती में मासा कहते हैं और हिंदी में मौसा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, नीचेना प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। अपने पहलू जो है, आपका नाम क्या है? तो आपको लिखना है आपका नाम जो भी हो वही लिखना है। मेरा नाम कृष्णा है, मेरा नाम अनंत है, मेरा नाम सिद्धार्थ है। आपका जो भी नाम है आपको वहाँ लिखना है। आपके पिताजी का नाम क्या है? तो आपको अपने पिताजी का नाम वहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 3, आपके माताजी का नाम क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, आपको प्रश्न नंबर 3 में आपकी माताजी का नाम लिखना है। पहले प्रश्न में आपको आपका नाम लिखना है, दूसरे प्रश्न में आपको अपना पिताजी यानी कि पापा के नाम लिखना है और तीसरे सवाल में आपको अपनी मम्मी जी का यानी कि माताजी का नाम लिखना है। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं या पढ़ती हो? लड़की है तो वह पढ़ती है लिखेंगे और लड़का है वो लिखेगा मैं 4थी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मैं 4थी कक्षा में पढ़ती हूँ। माता के पिता को क्या कहते हैं? तो माता के पिता को नाना कहते हैं। तो माता को क्या कहते हैं? तो नानी, नाना और नानी। तो यहाँ आपको क्या प्रश्न किया गया है कि माता के पिता को क्या कहते हैं? तो माता के पिता को नाना कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं? तो कि चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कंसमाथी योग्य शब्द पसंद करीने खाली जगह पूरो। पहली खाली जगह, मैं लड़की हूँ, तो वहाँ कंस में से कौन सा शब्द आएगा? मैं। दूसरा, मेरे पिता किसान है, मेरी माता घर काम करती है, मुझे खेलना अच्छा लगता है। तो आपको जो भी शब्द बन बैठता है
वो रिक्त स्थान में आपको लिखना है और गलती नहीं करना है। आपको टेस्ट नंबर 7 में कोष में से जो लिखना था कोष्टक में से, उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी को वो गलत किया है, तो आपको पहले देख लेना चाहिए कि इन खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो कंस में योग्य शब्द पसंद करीने वाक्य पूर्ण करो। अरुणा तो चौथी कक्षा में पढ़ता है के पढ़ती है, तो लड़की है, तो वहाँ खाली जगह में क्या आएगा, पढ़ती है। जो लड़का होगा तो पढ़ता है, बराबर। दूसरा, लड़का खेल रहा है, मैं माता पिता का आदर करता हूँ, मेरे दोस्त का नाम सुधीर है, उसकी सखी का नाम जैनी है। प्रश्न नंबर 5, गलत शब्द काट कर सही वाक्य बनाइए। एटले कि खोटो शब्द छे कि ने साचो वाक्य बनाओ। मुझे लड़की हूँ कि मैं लड़की हूँ, कौन सा शब्द गलत है, तो मुझे वो गलत है, तो आपको वो काट देना चाहिए। तो मैं लड़की हूँ, मेरे पिता माता का नाम राजेश भाई है, तो राजेश भाई है वो पिता का नाम है, तो माता शब्द है वो आपको गलत शब्द वो काट लेना चाहिए और सही वाक्य बनाना है। तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तुम्हारी बहन वही, तुम्हारी वही, तो शब्द कौन सा आएगा, बहन, तो आ तो तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तो बहन है, उसे आपको काट लेना चाहिए। मैं क्रिकेट खेलूँगा, अंतिम वाक्य 5 में मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो आपको जो गलत शब्द है वो आपको काटना है और सही वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 6, सही जोड़ी मिलाइए, यानी योग्य जोड़ का जोड़ो। अ अने ब देखिए, अ में देखिए पिता, भाई, चाचा, मामा, दादा। ब में देखिए भाभी, दादी, मामी, माता, चाची। तो पिता के सामने उत्तर में चौथा माता आएगा, और दूसरे भाई तो भाभी, ले भाई के जोड़ी में क्या आएगा, पहला शब्द भाभी, तीसरा चाचा तो 5 शब्द है चाची, मामा तो तीसरा शब्द है मामी, दादा तो दूसरा शब्द है दादी। आपको ये याद रखना है, पिता तो माता, भाई तो भाभी, चाचा तो चाची, मामा तो मामी, दादा तो दादी, वो आपको सही जोड़ी बनाना है। निम्नलिखित गुजराती वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। नीचे ना गुजराती वाक्यों हिंदी में अनुवाद करवानो छे। तो पहलू वाक्य से, हूँ चौथा धोरण में भणु छू, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। लड़की है तो पढ़ती है, पर आपको यहाँ वाक्य ही दिया गया है, हूँ चौथा धोरण में भणु छू, तो मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मारी माता घर काम करे छे, मेरी माता घर काम करती है। मारा पिता खेडूत छे, मेरे पिताजी किसान है। मारी शाळानुं नाम सरस्वती विद्यालय छे, मेरी स्कूल का नाम सरस्वती विद्यालय है। मारा शहरनुं नाम अहमदाबाद छे, मेरे शहर का नाम अहमदाबाद है। तो आपको ये प्रश्न नंबर 1-7 अपनी स्वपोथी में लिखना है। मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि जो आपने आज स्वपोथी लेखन भाग 2 किया है, प्रश्न नंबर 1-7 आपको स्वपोथी में लिखना है।